विराज हुआ राजी, सितारा से होगी शादी। विराज सितारा का रोमांस, विष कन्या का चांस। जी हाँ, कल तक जो विराज सितारा की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, आज उन्हीं के संग फरमा रहे हैं आशिकी। चल रही है इनकी खट्टी मीठी मोहब्बतें, कभी एक दूसरे को निहारने लगते हैं तो कभी बच्चों की तरह पिलो फाइट करने लगते हैं। और रही बात सितारा की, तो इनके क्या कहने, विराज का साथ पाकर तो मैडम सातवें आसमान पर है। सितारा बहुत खुश है और ये सब कुछ इजी किया उसकी माँ ने, बिकॉज़ उन्होंने वृंदा ने सुरीली का रिश्ता लेकर गया था, लेकर गई थी राजा के पास फॉर विराज, क्योंकि नेत्रा ने शादी तोड़ दी थी उनके डराने पर। विराज और मेरा डेफिनेटली फाइट थी, वी वर नॉट टॉकिंग, ही वॉज एंग्री विथ मी। बट जब ये रिश्ता जाता है सुरीली का, ही रियलाइज दैट ही लव्स मी अ लॉट एंड वो सबके सामने कह देता है दैट आई वांट टू मैरी सितारा। तो वहीं विराज और सितारा की इन बढ़ती नजदीकियों से माँ और बाकी विष कन्याओं को हो रही है जलन, लेकिन यहाँ तो सितारा से लागी है विराज की लगन। अब सितारा इन सब के लिए अपनी माँ को शुक्रिया अदा करना भी चाहती है। सितारा को ऐसा लगता है कि उनकी माँ की वजह से ही विराज ने सितारा को अपनाया है। मुझे पता है कि माँ मुझे, क्योंकि एक दिन पहले माँ ने चैलेंज किया था दैट अब मैं सुरीली की शादी विराज से कराऊंगी एंड आई एम लाइक रियली स्कैर्ड के ओ गॉड, लेकिन अब पास यू नो उल्टा हो गया, उल्टी हो गई बात, एंड इसलिए मैं उनके पास आती हूँ। आई से दैट नाउ दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरा घर है और आप प्लीज़ सोचना भी मत कुछ भी बुरा करने के लिए इनके साथ, बिकॉज मुझसे सामना करना पड़ेगा, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अब इसे शुक्रिया कहें या चेतावनी, सितारा इस बात से बेखबर है कि सारी विष कन्याएं मिलकर बना रही हैं विराज और सितारा को एक दूसरे से दूर करने का प्लान। मेरी माँ डेफिनेटली ये शादी पीसफुली होने नहीं देगी, वो डेफिनेटली कोई ना कोई बाधा लाएगी शादी में। आई नो इट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, बट कोई भी चीज आसानी से होगी नहीं। अब देखते हैं कि कैसे सितारा विराज को बिना खोए अपने प्यार की जीत साबित कर पाती है। आज तक ब्यूरो।